जय हिंद साथियों, परिणाम अकेडमी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी की हम फिर से चर्चा करने आए हैं, जो कि हमारी एसएससी की है। एसएससी की एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसमें आप लोग के लिए फिर से एक बार अच्छा मौका है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। देखिए, पोस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। एसएससी सीपीओ एसआई का हमारा 2024 का जो वैकेंसी है, ये एसआई की पोस्ट है हमारी। इसमें हम आज इस क्लास में, मतलब इस वीडियो में बात करेंगे कितनी पोस्ट है, कब से कब तक अप्लाई होगा। एग्जाम जो है पेपर वन पेपर टू, दो पेपर इसमें दिया गया है। दो पेपर होगा, कब कब होगा, फीस क्या होने वाली है, किस कैटेगरी क्या होगी, एज क्या होगा, पोस्ट नेम क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। उसके बाद फिजिकल भी हमारे होंगे इस एग्जाम के बाद। फिजिकल में मैंने यहाँ देखिए टेबल बनाया कि मेल का क्या होगा फिजिकल, ये तमाम चीजें, हाइट क्या होगी, चेस्ट क्या होगा, रेस क्या होगा, टाइप क्या होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, चांस, और फीमेल का क्या हाइट होगा, चेस्ट होगा, क्या रेस होगा, क्या टाइम होगा, तमाम चीज़, जो भी चीज़ें हैं इस क्लास में सब चर्चा कर, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी समस्या है, आज इस वीडियो में सब दूर हो जाएंगी। एक भी आपका डाउट बचेगा नहीं इस वैकेंसी को लेके। और बहुत जल्द ही इसके बारे में हम और चीज़ें अपडेट आपको देते रहेंगे। सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो भी वैकेंसी आएगी सबकी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी हमारे भाई कंपटीटर जो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, उनके तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो दबा के शेयर करिए, आप लोग एकदम बढ़िया से शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कर दीजिए लाइक, बाकी नए हैं तो फिर कहना ही क्या है, फिर आप सब्सक्राइब करके तभी जाइए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारा क्या 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 इसका प्रोसीजर होने वाला, क्या क्या कैसे होगा, इसमें क्या पोस्ट है, क्या अप्लाई कैसे करना है, तो तमाम चीजें इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते आइए। तो सबसे पहले इसमें सीपीओ एसआई में ये बात करते हैं। देखिए, एसआई का पोस्ट है इतना आपको पता है। एसआई के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी हमारी क्या होती है, क्वालिफिकेशन हमारा क्या होता है, सबसे मतलब जरूरी, एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएट होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं कर चुके हैं, या ग्रेजुएशन मतलब अभी नहीं किए हैं, तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं है। किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। देखिए, इसमें अलग अलग जो हमारे ये है पोस्ट नेम हमारा दो है, एक एसआई दिल्ली पुलिस, एसआई दिल्ली पुलिस, और एक जो हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, दो पोस्ट है इसमें। लेकिन फोर्स जो हमारे अलग अलग है, जैसे इसमें सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, ऐसे बहुत सारे इसमें फोर्स नेम है अलग अलग, उनकी अलग अलग वैकेंसी है अलग अलग फोर्स के हिसाब से। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एसआई के पोस्ट में ग्रेजुएशन होना मस्ट है, ग्रेजुएट होना मस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितनी हमारी पोस्ट आई है। तो पोस्ट आपके हैं 4187, देख रहे हैं 4000 प्लस पोस्ट है, 4187 पोस्ट है आपके लिए। इसमें आप लोग अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएट आप है, जो भी जो भाई हमारे ग्रेजुएट है, सबको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, सबको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका चार्ज ज्यादा है, चार्ज भी इसका ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपए है, वो भी केवल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी एसटी के लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। तो इस फॉर्म को अगर आप मेरा कहना मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देखिए किसका कहाँ क्या लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें जरूर आप फॉर्म डालिए। और अप्लाई डेट की अगर बात कर लें तो अप्लाई डेट हमारा है 4 मार्च से स्टार्ट हो गया है, ये 4 मार्च से से ये स्टार्ट हो गया है। कब तक होगा? 28 मार्च 2024 तक, ध्यान दीजिएगा। 4 मार्च यानी ये फॉर्म इस टाइम प्रेजेंट टाइम में फॉर्म चल रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। अगर जो भी नहीं जानते तो इस फॉर्म को फटाक से भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में ना जाइए, लास्ट में सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, उसमें आपको समस्या होगी, उसमें आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर वही होगा कि आप फॉर्म को अभी भर दीजिए, अभी भर दीजिए, ठीक। उसके बाद करेक्शन डेट जो हमारा इसमें है 29 तारीख तक है। इसमें आपको जो फॉर्म भरने के बाद जो आपका गलतियां होती, जो आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाता है, वो हमारा करेक्शन टाइम क्या है, 29 तारीख है। और एक चीज जो ये लिख देते हैं, करेक्शन डेट, सॉरी करेक्शन डेट कह रहे हैं,
पहले पेमेंट डेट की बात, फिर करेक्शन डेट भी बात करेंगे, सबसे पहले पेमेंट डेट की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे फॉर्म आपका क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीट। पेमेंट डेट, पेमेंट डेट मतलब पेमेंट डेट लास्ट, लास्ट आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 29 मार्च तक कर सकते हैं बस, ठीक। करेक्शन डेट आपको जो मिलने वाली है, करेक्शन डेट आपकी क्या होने वाली है, करेक्शन डेट आपकी होगी, करेक्शन डेट आपकी होगी 30 से 31 मार्च। अप्लाई कब से कब करना है, 4 मार्च से अप्लाई हो रहा है, 28 मार्च तक अप्लाई होगा। पेमेंट हमारा कभी भी आप करिए, फॉर्म भरते तभी आप पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए किसी कारण आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पेमेंट आपका लास्ट डेट पेमेंट का क्या है, 29 मार्च है। करेक्शन की जो हमारी डेट आएगी वो डेट आएगी 31 और 31, दो दिन आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट में जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की डेट आपके सामने जो बताई गई है डेट क्या है, जो पेपर फर्स्ट की आपको एग्जाम डेट बताई हो क्या है, 9 मई से 13 मई 2024। पेपर फर्स्ट की जो डेट दी गई 9 मई से 13 मई 2024 तक हमारा पहला एग्जाम होगा, पहला पेपर होगा इसमें। पेपर सेकंड अभी कंफर्म नहीं है, ये शेड्यूल के ऊपर, अभी शेड्यूल आया नहीं, एज पर शेड्यूल, ये शेड्यूल के अभी ये कंफर्म नहीं है, ये भी आपको अपडेट मिल जाएगा जब आप ये दें, ठीक। सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करिए जो 9 से 13 मई के बीच होगा, मार्च चला आपका, अप्रैल मई में एग्जाम है, दूसरे महीने में एग्जाम है आपका, तो बढ़िया से मेहनत करिए, पोस्ट बहुत ज्यादा आपके लिए, चांस बहुत अच्छा है। अगर जो भी इसमें भाई हमारे मेहनत करेंगे तो हाथ से नहीं जाएगा ये, जो भी ग्रेजुएट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर है। फीस की बात कर ले, अगर फीस में हम जनरल, फीस में अगर हम जनरल, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो इन सभी का, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का और ओबीसी कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 100 रुपये मात्र चार्ज है, जबकि एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपये, ठीक। एज की बात कर लेते हैं, तो एज इसमें क्या होने वाला है, एज इसमें 20 से 25 साल, जो भी मिनिमम एज जो है 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। एज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2024 से किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, 20 से 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। तो एज क्या है, मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर और एज कैलकुलेट कब से किया जाएगा, एज एक एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2024 से, ठीक। यानी 1 अगस्त 2024 से आपका एज क्या होगा, कैलकुलेट होगा। और इसमें पोस्ट हमारी देखिए दो, मैंने बताया था दो पोस्ट नेम है इसमें, कौन कौन सा, SI इन दिल्ली पुलिस, और दूसरा हमारा है इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि CAPF के नाम से जाना जाता है। तो पोस्ट नेम हमारा कौन कौन सा है, सबसे पहले तो है SI इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, और दूसरा क्या है हमारा, CAPF, जिसको कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये हमारे दो इसमें पोस्ट नेम है। अब मुद्दा आता है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, देखिए फीस क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फीस 200 है तब भी आप फॉर्म डालते हैं, 500 है तब भी आप डालते हैं, 1000 है तब भी डालते हैं, 1500 है तब भी डालेंगे, 5000 फीस होगी तब भी आप डालेंगे, जिसको जो सीरियस कैंडिडेट वो डालेंगे ही डालेंगे,
हटेंगे कौन, जैसे जो होते हैं ना कि ये वैकेंसी है ये डाल देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, वो वैकेंसी में फॉर्म अपना डाल देंगे, बाकी अपना घूमेंगे टहलेंगे हर चीज करेंगे, पढ़ना नहीं उनको। तो वो जो है वही, जैसे जब फीस ज्यादा होती है 1500 2000 2500, तो वही नहीं डालते फॉर्म। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट है वो 100 रुपये फीस होगी तब भी डालेंगे, 500 फीस होगी तब भी डालेंगे, 1500 फीस होगी तब भी डालेंगे, उनको डाल लगता है। और मेन जो वहाँ होता है एलिजिबिलिटी, जब तक आप इसमें नहीं एलिजिबल होंगे, जब तक आप इसमें एलिजिबल नहीं है तब तक आप इसमें ये सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, एलिजिबिलिटी आपकी होगी देखिए एसआई के लिए जो है, एसआई दिल्ली पुलिस का, एसआई दिल्ली पुलिस का, इसमें आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विथ डीएल, साथ ही साथ आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास अगर डीएल है तभी आप दिल्ली पुलिस में, सॉरी एसआई दिल्ली एसआई में एलिजिबल हैं आप। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय। उसके बाद अगर हम सीएपीएफ की बात करें या अदर पोस्ट कह देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे फोर्स है अदर पोस्ट कह दें, अगर अदर पोस्ट कह दें, अदर पोस्ट में आपको केवल और केवल ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक। कहने का मतलब एसआई में आपको ग्रेजुएशन विद डीएल होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएल भी होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए जो भी जितने भी अदर पोस्ट है उनके लिए आपको केवल और केवल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। यहां तक समझ गए आप। अब हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, मतलब फिजिकल में हमारा क्या क्या होगा। मेल की देखिए हाइट देखी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, रेस होगा, रेस मतलब रनिंग होगी, टाइम जो भी हमारा होगा, लॉन्ग जंप करना होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, चांस कितने होंगे, ये चीजें फीमेल में भी तमाम चीजें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। चलिए देखिए मेल में जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जैसे जनरल ओबीसी और एससी, जो भी जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट है मेल के, उनके लिए क्या, देखिए एसटी का अलग से कुछ प्रोसीजर है, अलग चीजें हैं इसमें, तो इनके लिए देखते हैं हम। जो भी जनरल कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट या एससी कैंडिडेट के मेल हैं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा, हाइट उनके लिए क्या होगी, 170 सेंटीमीटर हाइट होगी मिनिमम, आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, इससे कम काम नहीं चलेगा। चेस्ट आपका होना चाहिए 80 से 85। रेस आपका क्या होगा, रेस आपका होगा 100 मीटर, रेस आपका क्या होगा, मात्र 100 मीटर होगा, और वो भी कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। अभी तक आपने और वैकेंसी में देखा जो 1600 हमारी दौड़ थी, ऐसे उसमें अभी 1600 की जो दौड़ आई थी, मतलब लगभग वैकेंसी में एयरफोर्स हो गया जो भी डिफेंस में, और समय 1600 मीटर दौड़ लगभग 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन इसमें देखिए 100 मीटर आपको दौड़ना है 16 सेकंड में, ठीक। 100 मीटर एक बार जो लगा दिए 100 मीटर आपके लिए क्या बड़ी बात है। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपका है 3.65 मीटर, हाई जंप आपके लिए 1.2 मीटर, और शॉर्ट पुट आपके लिए है 4.5 मीटर, चांस आपको दिया जाएगा 3। मेल कैंडिडेट जो भी जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट, उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपको 80 से 85 चाहिए, रेस आपको 100 मीटर दौड़ना है, और टाइम आपके लिए 16 है 16 सेकंड, लॉन्ग जंप आपके लिए 3.65 मीटर है, हाई जंप आपके लिए 1.2 मीटर है, शॉर्ट पुट आपके लिए 4.5 मीटर है, चांस आपको दिया जाएगा 3। और यहीं पर अगर हम एसटी की बात कर लें, अगर हम यहीं पर एसटी की बात कर लें, देखिए मेल है ही, मेल एसटी, तो मेल एसटी के लिए जो हमारा दिया गया है वो क्या है, मेल एसटी को ज्यादा नहीं हाइट चाहिए, मात्र हाइट चाहिए कितना, मात्र हाइट उनको चाहिए कितना, 162.5 सेंटीमीटर, यानी 160.5 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है एसटी कैंडिडेट की मेल में, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए।
और इसमें जो है आप जो एसटी कैंडिडेट उनका चेस्ट जो है 77 से कितना चाहिए 82, बस बाकी चीजें जो है वो सेम है। बाकी देखिए यही बॉक्स दो अलग है, बाकी चीजें क्या है सब सेम। अब फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में भी जो हमारी जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट है, इनके लिए क्या है ध्यान दीजिए, फीमेल में हमारी जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी के हैं, एससी भी यहाँ जोड़ लीजिए, जनरल में चलिए ईडब्ल्यूएस आ गए, एससी लिख देते हैं यहाँ एससी। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हमारा इसमें प्रोसीजर वो क्या है, देखिए फीमेल में सबसे पहले हाइट, फीमेल में भी हाइट चाहिए, तो फीमेल में हाइट कितना चाहिए 157 सेंटीमीटर। फीमेल में कोई चेस्ट नहीं चाहिए, ठीक, ये जरूरी नहीं है, केवल इनमें हाइट चाहिए। उसके बाद ये हमारा है रेस, रेस फीमेल में भी होगा, कितना होगा मात्र 100 मीटर, जितना मेल में रेस होगा उतना फीमेल में भी रेस होगा, फर्क कितना है, फर्क क्या है, टाइम का फर्क है। यहाँ मेल को जो कैंडिडेट को 16 सेकंड दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद लॉन्ग जंप जो हमारा मतलब मेल में भी था फीमेल में भी है, फीमेल में कितना 2.7 मीटर, मेल में था 3.65 मीटर। हाई जंप वहाँ 1.2 मीटर था मेल में, और फीमेल में जो हमारा कितना है 0.9 मीटर। शॉर्ट पुट मेल में था 4.5 मीटर, यहाँ पे ये सब जरूरी नहीं है, चांस इनको दिया जाता 3, इनको भी दिया जाएगा 3। तो फीमेल कैंडिडेट में जो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट है उनके लिए हाइट क्या होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, रेस उनका होगा 100 मीटर, टाइम उनको दिया जाएगा 18 सेकेंड, और जो हमारा लॉन्ग जंप होगा कितना होगा 2.7 मीटर, हाई जंप होगा 0.9 मीटर, शॉर्ट पुट नहीं चाहिए, चांस इनको भी दिया जाएगा 3। ये केवल जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट की हम फिर से अलग से बात करेंगे। तो एसटी कैंडिडेट के लिए फीमेल में एसटी कैंडिडेट के लिए क्या प्रोसीजर होगा देखिए ध्यान दीजिएगा, इनके लिए चाहिए कितना 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बाकी की चीजें सब सेम ही हैं, बाकी की चीजें कुछ अलग नहीं है। ठीक, समझ गए इतना, अब एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट, जो हमारी सीपीओ एसएससी सीपीओ साई 2024 की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट आपके लिए है 4187 पोस्ट है, 4000 प्लस पोस्ट हमारे, अप्लाई कब से होगा 3 मार्च से लेके 28 मार्च तक अप्लाई होगा, पेमेंट डेट हमारी जो भी लास्ट डेट कब तक होगी 29 मार्च को होगी, करेक्शन डेट आपका होगा 30 से 31 मार्च का होगा, जिनका भी कोई गलती कोई मान लीजिए जाने अनजाने में कुछ भी फॉल्ट होता कोई दिक्कत होती तो 30 से 31 मार्च को अपना वेट करिए, 30 से 31 मार्च को क्या करेंगे आप करेक्शन कर लीजिएगा याद करके चीज़ों को, अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बड़ी समस्या होगी, कोई दिक्कत हो सकता है। एग्जाम डेट आपका देखिए पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम डेट वो आपको दिया गया है, एग्जाम डेट क्या है 9 मई से 13 मई के बीच एग्जाम होना है, पेपर सेकंड अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये शेड्यूल इसका आएगा तो बताया जाएगा आपको। फीस क्या है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, 0 चार्ज है इनका। एज क्या है मिनिमम एज आपको चाहिए 20 साल, मैक्सिमम एज चाहिए 25 साल, एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से। पोस्ट नेम क्या है एसआई पुलिस सॉरी दिल्ली पुलिस में एसआई का पोस्ट है, और एक हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, एसआई में एलिजिबिलिटी आपके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद डीएल, डीएल के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एसआई में, अदर पोस्ट में आपका केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी यहाँ देखिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी में जो मेल कैंडिडेट में सॉरी जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट मेल के उनके लिए हाइट कितना चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 80 से 50 है, रेस चाहिए 100 मीटर, टाइम चाहिए 16 सेकंड, लॉन्ग जंप 3.6 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर, चांस आपको दिया जाएगा 3। जो भी मेल कैंडिडेट है वो भी जनरल ओबीसी एससी के लिए ध्यान दीजिएगा,
और मेल में एसटी के लिए क्या है 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 77 से 82 इनकी चेस्ट होनी चाहिए, बाकी की चीजें सेम है। फीमेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी एससी का अलग है, एसटी का अलग है। तो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट जो भी है इनकी हाइट 1.57 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट की जरूरत नहीं है। और रेस जो हमारा 100 मीटर, टाइम जो हमारा 18 सेकेंड, और लॉन्ग जब आपका 2.7 मीटर, हाई जब आपका 0.9 मीटर, और शॉर्ट पुट नहीं चाहिए, और चांस जो आपका 3 दिया जाएगा। यही फीमेल में अगर एसटी की बात करते 154 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, बाकी की चीजें क्या है एकदम बिल्कुल सेम है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, अगर अभी आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई चीजें आपको पूछनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। जो भी आपकी असुविधाएं हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप बिल्कुल पूछिएगा, निसंकोच पूछिएगा। लेकिन हाँ, टॉपिक से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, इधर उधर की बातें थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपका जवाब नहीं मिलेगा। आप अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, इससे मान लीजिए इस वीडियो में एसएससी सीपीओ साइज से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछते, कोई भी आपका डाउट होता है अगर आप पूछते, तो उसका जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा। और बाकी अपडेट के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो को यही रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।